नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज स्टॉक एनालिसिस करेंगे, उसका नाम है गोनेका डायमंड एंड जेवल्स लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 2.95 रुपीज़ पे। देख सकता हूँ आप लोगों को चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -76.88%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 321.43%। 1 ईयर में रिटर्न दिया है 68.57%। ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 59.46%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 168.18%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है -10.61%। 5 डेज में रिटर्न दिया है -13.24%। और 1 डे में रिटर्न दिया है -4.84%। दोस्तों, हम आ गए स्क्रीनर वेबसाइट पे, यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे गोनेका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। गोनेका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स। ये जो कंपनी है गोनेका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड की, जो काम की धंधा जो व्यापार करती है, ये डायमंड्स हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग करती है एंड मैनुफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग ऑफ डायमंड ज्वेलरीज। डायमंड्स के हीरों के गहने की बनाती है और उसको बेचती है। ले चलता हूँ आपको इसकी वेबसाइट पे। उससे वेबसाइट है गोनेका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड की, जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई इन्होंने। कॉन्ट्रैक्टर्स देखते हैं कंपनी कहाँ पे है। जो कंपनी है इसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है जोरी बाजार जयपुर में स्थित है। इसकी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है गिरगांव मुंबई में स्थित है। दोस्तों, आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पर आके आप चेक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 95.7 करोड़ की, इसकी मार्केट कैप लेस देन 100 करोड़ है। तो ये एक पेनी स्टॉक है। इसका जो करंट प्राइस है 4.40 रुपीज़ का। इसका जो 52 वीक हाई है 4.40 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 1 रुपीज़ का है। स्टॉक की जो पी है, यहाँ की जानकारी नहीं, इसकी बुक वैल्यू 7.66 रुपीज़ की है। ये अपने बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ता ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड 0 की है। इसकी जो ROC है -2.09% की है। इसकी जो ROE है -3.85% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ की है। दोस्तों, चार्ट है गोनेका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड का। पिछले 6 महीनों स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री कर्जबुद कंपनी है, दूसरी अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग 8.39 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो भी ट्रेड हो रहा है 0.39 टाइम्स जिसके बुक वैल्यू का ट्रेड हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया था सस्ता ट्रेड कर रहा है। अकाउंट चेक करते हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -47.95% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -47.95% की। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -2.21% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, कम है, -2.21% का है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ ₹70.99 करोड़, कंपनी के ऊपर कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज है 70.99 करोड़ की। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 78,770.313 डेज। कंपनी का जो डिबेटर डेज है वो हाई है, 78,770.13 डेज का है। ईयर कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर में काम करती है। जो इंडस्ट्री है डायमंड कटिंग एंड ज्वेलरी की, सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है टाइटन कंपनी है, देन राजा स्पोर्ट्स है, देन वेबर ग्लोबल, उसके बाद कल्याण ज्वेलर्स है, देन गोल्डियम इंटरनेशनल, उसके बाद इनसेंस ग्लोबल है, नंबर 7 पे अंगा मई ज्वेलर्स है, और नंबर 8 पे गोनेका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड है। इसका क्वार्टरली जस्ट चेक करते हैं, मार्च 2019 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी -1.22 करोड़ की थी, और दिसंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है -0.72 करोड़ की है। कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें सुधार आया है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 41.57 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है -2.07 करोड़ की है।
तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट आई है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स -40%, 5 ईयर्स -48%, 3 ईयर्स -23%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कोई जानकारी नहीं है, 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 5%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में -5%, 5 ईयर्स में 33%, 3 ईयर्स में 118%, 1 ईयर में है 82%। रिटर्न इक्विटी 10 ईयर्स -1%, 5 ईयर्स -3%, 3 ईयर्स में -2%, लास्ट ईयर में -4%। इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 394 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 791 करोड़ की। कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। हम इसका कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2010 में इसका नेट कैश फ्लो था -2.71 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो इसका नेट कैश फ्लो है -0.10 करोड़ का। कंपनी का नेट कैश फ्लो है उसमें सुधार आया है। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसका कैश कन्वर्जन साइकिल था 95.32 का था, और मार्च 2021 में जो इसका कैश कन्वर्जन साइकिल है 55,133.28 का है। मार्च 2010 में जो इसकी ROC थी 33.50% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है -2.09%। कंपनी की जो ROC है उसमें गिरावट आई है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, मार्च 2019 में फाउंडर्स के पास 57.55% शेयर्स थे, और दिसंबर 2021 में फाउंडर्स के पास 57.55% शेयर्स है। तो फाउंडर्स की जो शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं है। मार्च 2019 में DI के पास 4.08% शेयर्स थे, और दिसंबर 2021 में DI के पास 4.07% शेयर्स है। DI की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। मार्च 2019 में पब्लिक के पास 38.37% शेयर्स थे, और दिसंबर 2021 में पब्लिक के पास 38.38% शेयर्स हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। दोस्तों, हमने रिटर्न एनालिसिस किया गोनेका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड का। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके। मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।